अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई, क्या कर रहे हैं? भाई मैं ये देख रहा था कि कैमरा कंपैरिजन देख रहा था फोन्स का, जो नए फोन्स आए मार्केट में। तो किसका ज़्यादा है? मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे अच्छा जूम जो है ये S24 का है। इसमें यार दिखाया आईफोन से ज़्यादा है इसका। ये देखे ना, इसका हाँ आईफोन का बहुत कम है। सबसे लास्ट आईफोन का आ रहा है, Pixel 8 है, और सबसे सबसे, पहले जो है S24 है। तो ये कौन सी बड़ी बात है? ऐसा करते हैं, हम मीडिया वर्ल्ड चलते हैं तो वहाँ पर चेक कर लेते हैं। चले भाई अभी निकलते हैं फिर। चलो फिर निकलो, उठो उठो। तो कंपेयर करना चाह रहे हैं कि हमें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए कि हम लोग जो है अभी नेक्स्ट वीडियोस उसमें शूट करेंगे। हाँ क्या जो इंटरनेट पर हमने सर्च किया है वो S24 का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, सबसे बेहतरीन सबसे बेहतरीन। अभी मीडिया वर्ल्ड में हम चेक करेंगे कि कौन सा क्या वो वीडियो फेक तो नहीं थी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा ना यहाँ से, हम कैमरा चेक कर लेंगे। मीडिया वर्ल्ड में हम आ चुके हैं, अब हम इंटर होते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा मोबाइल हमें अच्छा लगता है जिसका रिज़ल्ट हमने इंटरनेट पर जो चेक किया है वो S24 Ultra का अच्छा रिज़ल्ट आ रहा था, यानी कि जूम का रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा था। अच्छा S24 वो सामने नज़र आ रहा है, तो ये हम चेक करेंगे अब। ये वाला कौन सा है? S24 Ultra, ये वही है ना मोबाइल? अच्छा, इसका हम कैमरा, इसको बाहर निकाल लें ज़रा। हाँ इसको बाहर निकालें और यहाँ पर जूम करके दिखाएं ज़रा। ओके, इसका फॉर एग्जांपल कोई वीडियो ली हमने छोड़ी, ये तो बहुत नज़दीक से भी जो है वो इतना नहीं रिज़ल्ट आ रहा जितना वो इंटरनेट पे दिखा रहे थे। इस तरह से रिज़ल्ट नहीं आ रहा। ये तस्वीर खींची है, ये जूम करने के बाद वर्ड्स हमें जो इतना है वो क्लियर नहीं आ रहा जितना 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 वो नेट पे शो कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि वो नेट के ऊपर जो है वो फेक वीडियो या प्रमोशन के लिए भी बना सकते हैं ना। या फिर इसमें रिज़ल्ट जो है वो वैसा शो नहीं कर रहा जैसा मैंने उस वीडियो में देखा था, लेकिन आई थिंक शायद हमें इस फ़ोन के पूरे फीचर्स जो है वो यूज़ करने नहीं आते शायद ना। तो आई थिंक तो आप इसको चेक करें ना, निकालें इसको कुछ। अच्छा ये दोस्त हैं यहाँ पर जो इटालियन यहाँ पर आ रहे हैं कि किस तरह से आपने मोबाइल को यूज़ करना डीला। ओके अच्छा, इसका जो जो रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा था इंटरनेट के ऊपर वो चीज़ हमें यहाँ पर नहीं मिली। अब आईफोन का हम रिज़ल्ट चेक करेंगे। आईफोन कौन सा था दिखाया वीडियो में? वो उसने उसने ये शो किया था, लेकिन हम लोग प्रो मैक्स उनको सबसे अच्छा वाला जो फ़ोन है वो चेक करेंगे। इसका कैमरा है नहीं सकता। ये मेरे ख्याल से बाहर निकाल नहीं सकते हम, निकाल सकते हैं। ये जूम करो, कोई भी उसको टारगेट करो। वहाँ पे तो इसका इसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर शो कर रहा है S24 से ज़्यादा, क्योंकि देखें अब ये जो मोबिलिटी वगैरह लिखा हुआ है यहाँ से जो है इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फ़ोन के ऊपर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। यानी कि आईफोन का रिज़ल्ट यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, लेकिन जो वीडियो में हमने देखा था वो S24 का रिज़ल्ट ज़्यादा वो कह रहे थे कि। लेकिन वो एक और चीज़ ये कि वो जो शो वो कंपेयर कर रहे थे आईफोन 15 प्रो से और ये प्रो मैक्स है, ये प्रो मैक्स है, तो आप इसका चेक कर लेना। वो कंपेयर इससे कर रहे, तो आप इसका चेक करें। हम इसका कैमरा ऑन करते हैं। ये हाँ ये जो है उतना बेहतर नहीं है जितना प्रो मैक्स है। प्रो मैक्स ज़्यादा बेहतर, जाहिर सी बात है, लेकिन वो वीडियो में बता रहे थे इस मोबाइल का S24 के साथ, तो ये फेक वीडियो थी फिर, वो प्रमोशन के लिए थी, फेक नहीं थी। हाँ आई मीन बहुत सारे अलग। अब हम गूगल का भी चेक करेंगे। गूगल कौन सा नाम है? Google Pixel 8। हाँ Google Pixel 8 का वो रिज़ल्ट हम चेक करेंगे। वो हमें यहाँ से चेक करें, यहाँ से मिल जाते, यहाँ पर कहीं पर लगा होगा। TCL है ये, तो ये दूसरे लोकल मोबाइल हैं।
उस साइड पे चेक करते हैं। ये सारे ओप्पो वगैरह के हैं। ये कोई और, ये रेडमी नोट है, इसका चेक कर लेते हैं इसका क्या रिजल्ट है कैमरे का। उठा लें ऊपर, इसको उठाएं, कैमरा ऑन करें। ये तो बहुत ही बुरा रिजल्ट है कंपेयर टू जो हमने पिछले फ़ोन देखे उसके मुकाबले में बहुत बुरा है। वैसे इतना बुरा नहीं है फ़ोन। ये Redmi Note 3 Pro 5G है, ये चेक करें। ये Pro Plus है, ये देखते हैं सबसे अच्छा। हाँ सबसे अच्छा, चलो ये है, ये दे दिए। ये थोड़ा बेहतर है रिजल्ट, लेकिन जो जाहिर है आईफोन का मुकाबला तो नहीं कर सकते ये फोन। यार फिर भी उसके मुकाबले में ये दूसरे के तो ठीक ही है रिजल्ट। एस 2024 का तो इतना नहीं आ रहा, इतना नहीं आ रहा तो उससे तो ज़्यादा बेहतर है रेडमी। ठीक है, तो एस 24 से रिज़ल्ट अच्छा है इसका, और इसकी कीमत है 450। और एस 24 का रिज़ल्ट कैसा है वो आपको दिखाया, उसकी कीमत भी आपको दिखा देते हैं भी जो है। हाँ, तो इसकी कीमत जो है प्राइस आपके सामने है, तकरीबन 1300 का ये लगा है, 1300 का। और इसका रिज़ल्ट उससे कम है, हाफ कीमत से भी कम है उसका जो रेडमी, तो वो तो फिर इससे बेहतर हुआ। अच्छा, इसका ये कौन सा है? ये Xiaomi 14 है। अच्छा, इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। करो इसको ही करो, क्लोज करो। ये इसका रिज़ल्ट अच्छा है, ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है इसका। ये उससे भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा जो है Xiaomi का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये वो ये है ना, हमारे हाथ काम रहे हैं। अच्छा, इसका क्या प्राइस है? 650 आई थिंक। ये 1000 यूरो का है। अच्छा, ये 1000 यूरो का ही इसकी प्राइस है। ये इधर जो रेडर हैं हमारे जो डिलीवरी करते हैं उनके लिए भी यार वीडियो में कुछ ना कुछ दिखा देते हैं। ये देखो प्राइस 850, और ये साइकिल है भाई, ये मीडिया वर्ल्ड में लगा हुआ है। अच्छा, एक ये साइकिल है, इसकी जो प्राइस है ये भी 850 ही है आई थिंक। वही है, वही चीज़ है, वही चीज़ है। हाँ, तो ये साइकिल है रेडर, इसके लिए एक ये है, और इसकी कीमत प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है यार, ये किश्तों के ऊपर है मेरे ख्याल से। हाँ, ये रातों पे है, 50 यूरो। ये 800 की है। अच्छा, ये 800 की है, ये बिल्कुल छोटी है, ये आपके काम की नहीं है, मैं नहीं आपको कहूँगा कि ये लें, सबसे अच्छी ये है। ठीक है, और ये वो सैकर एडर्स के लिए नहीं सही है, ये जो है ये आम से घंटे दो काम करने के लिए या फिर कहीं पर आने जाने के लिए। तो लेकिन खैर, मैं इसकी भी प्राइस आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये साइकिल है, ये तकरीबन 600 की लगी हुई है, लेकिन इससे बेहतर है कि आप वो 850 खर्च कर लें, वो ठीक है। अब उसके फ्यूचर्स जो हैं वो ऊपर लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप बेहतर समझने वाले हैं क्योंकि आपने रखी हुई हैं, तो ये पढ़ लें आप। 250 वोल्ट की आई थिंक जो मोटर है वो लगी हुई है, तो ये आप पढ़ के यहाँ पर देख सकती हैं। अच्छा, तो फिर जो वीडियो में दिखाया गया है S24 Ultra के बारे में, वो सही है या आईफोन सही है? भाई जब हम वीडियोस बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम इंडोर बना रहे हैं, वो जो हम लोगों ने रिज़ल्ट देखा था यूट्यूब की वीडियो में वो आउटडोर की वीडियो थी, बाहर जो है वो बना रहा था, तो हो सकता है शायद उससे फ़र्क पड़ता हो। लेकिन इंडोर्स में यहाँ दिन के वक्त सबसे अच्छा रिज़ल्ट मेरे ख्याल में आईफोन प्रो मैक्स का रहा है, 15 प्रो मैक्स का, तो इसलिए वो ही लेना चाहिए, हमें वही लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर वीडियोज़ हमारी इंडोर ही होंगी। अभी हम लोग जो है पॉडकास्ट वगैरह बनाने का सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल में
हमें वही लेना चाहिए। मोबाइल मेरा रिजल्ट वीडियो का आ रहा है, ये आपके सामने है, ये है A53 5G सैमसंग है, ये भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है वैसे मोबाइल यूज़ करने के हिसाब से। तो ये था रिजल्ट जी, जो हम गूगल में सर्च करते हैं जो रिजल्ट हमें मिले भाई, तो वहाँ पर तो दिखा रहे हैं साफ साफ कि S24 का रिजल्ट आईफोन से भी अच्छा है, लेकिन वो आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है उससे रिजल्ट जो है वो कम है उसका। तो आईफोन का ही अच्छा लगा है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा है वो, 200-300 यूरो बाकी फ़ोन से ऊपर है, लेकिन आपकी एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है जो है वो 2-3 साल चल जाता है फ़ोन अच्छी तरह से जो है अगर संभाल के रखें हम। चलें जी आईफोन ले लेते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ। किस्तों पर किस्तों पर।